कृष्णा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजा लेते हो? क्योंकि कृष्णा ने सारे सुरों को अच्छे से याद कर रखा है। श्यामू, सब कुछ सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं होता। मुझे यकीन है अगर तुम चाहो तो तुम भी संगीतकार बन सकते हो। कृष्णा, मजाक छोड़ो, भले जितनी भी कोशिश कर ले, हम में से कोई भी इतना अच्छा संगीत नहीं बजा सकता, खास करके श्यामू। अरे वो तो बजाते बजाते ही धुन भूल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे तुम अपना अनोखा संगीत बना सको। हम कहाँ जा रहे हैं? श्यामू के लिए सही साधन ढूंढने, और कहाँ? अरे ये तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? इस बांस के साथ श्यामू के लिए एक बांसुरी बना रहा हूँ। ये लो श्यामू, इसमें फूंक मार के देखो। मुझे पता नहीं कृष्णा, मैं कोशिश करूंगा। शायद बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। चलो शहर चले। क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्यामू कोई संगीत साधन बजा पाएगा? बेशक, सभी के लिए कोई ना कोई संगीत जरूर है, हमें बस तुम्हारे लिए सही साधन ढूंढना है। उधर बरगद के पेड़ की ओर। कहाँ कृष्णा, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। चलो दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा, मेरा दोस्त संगीत सीखना चाहता है, क्या हम आपके साधनों का उपयोग कर सकते हैं? आपको पूछने की जरूरत नहीं है कृष्णा, ये लीजिए, एक तारा से शुरू कीजिए। पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा। नहीं ये भी नहीं। ये लो, इसे आजमाओ। हाँ ये आसान लग रहा है, इसे बस हाथ से बजाना है। नहीं कृष्णा, आपके मित्र में ना सुर है ना ताल है, हम और नहीं सुन सकते। अच्छा लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कृष्णा, मुझे लगता है मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब समझ आया कि मुझे क्या करना है। बाबा, क्या मैं ये घंटियों वाली छड़ी रख सकता हूँ? जरूर, इसे लो श्यामू। बांसुरी के साथ तुम अपनी घंटियाँ बजाओ, मेरे सुर से सुर और ताल से ताल मिलाओ। तो शुरू करें? कोशिश कर सकता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम कर पाओगे। क्या हुआ? कृष्णा, पहाड़ों के बड़े गिद्ध मेरी बकरी को उठा ले गए। अब मेरे पास सिर्फ दो बकरियां बची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बताओ, तुम्हारी बकरियां कहाँ चल रही थी? बड़े बरगद के पेड़ के पास, यमुना के बगल में। अच्छा, हम तो रोज वही खेलने जाते हैं। हम रोज क्या? बस उम्मीद है कि इस गिद्ध से कभी हमारा पाला ना पड़े।
तो बताओ क्या योजना है तुम्हारी? योजना? कौन सी योजना? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो चलो खेलते हैं। ये लो गेंद। दामू पकड़ो। दामू संभल के। मैं आ रहा हूँ दामू। दामू दामू यहाँ देखो। ओ कृष्णा तुम आ गए, अब तुम्हें बच जाऊंगा। गीत तुम्हें सुन लेंगे। अच्छा अच्छा हम अब क्या करें, यहाँ से कैसे निकले? वहाँ वहाँ पर तुम कुछ बकरियों को साथ ले जाओ जल्दी। हुर हुर आओ आओ इधर आओ। अब बस देखते जाओ। जल्दी जल्दी करो दामू, हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा। चलो इन बकरियों को वापस ले चलते हैं, वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा। कृष्णा क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस गीत से उठवाया ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको? चलो चले दामू, देर हो रही है। शाबू शाबू गेंद उठाओ। गेंद? कौन सी गेंद? हमेशा तुम ही जीतते हो। अब क्या करें, हम हैं ही इतने अच्छे। ये लो पकड़ो, अब तुम्हारी बारी। कृष्णा कृष्णा जल्दी आओ मदद करो। कृष्णा क्या हुआ सुदामा? जूना काकी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उपाय है, एक अनोखा पौधा जो सिर्फ झील में मिलेगा। ओ तो बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर बात सिर्फ उस पौधे की है तो उन्हें उसे तुरंत ले आना चाहिए। अगर ये इतना आसान होता तो क्या मैं कृष्णा से मदद मांगता? उस झील में जाना बहुत खतरनाक है, वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। खुद वैद्य जी भी नहीं जाना चाहते वहाँ। मैं पिछले कुछ दिनों से जूना काकी के साथ ही हूँ और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कृष्णा हमें क्या करना चाहिए? मुझे उस झील पर ले चलो। हाँ मैं ले चलता हूँ। चलो। क्या वो पौधा यही है? वैद्य जी ने कहा था कि वो झील के बीचों बीच उसके तल पर उगता है, मोटी घास की तरह दिखता है और गुच्छों में उगता है। पर सुदामा झील तो शांत लग रही है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो बड़ा मगरमच्छ यही रहता है? शायद वो सो रहा होगा। तो फिर पौधे को निकालने का यही सही मौका है। अरे कृष्णा वापस आओ। दामू शामू अब सिर्फ उम्मीद करो कि मगरमच्छ सोया हो। अच्छा तो तुम जाग रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं इनमें से कुछ गुच्छे लेकर चला जाऊंगा। आज तक कोई भी मेरी झील से बचकर नहीं निकला, जो भी यहाँ आया
वो बन गया मेरा ताजा खाना। माफ करना पर आज नहीं। कोशिश करना बेकार है, इतनी मेहनत मत करो। छोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आओ मगरमच्छ, अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। मैं चलता हूँ, एक बीमार बच्चे को इनकी जरूरत है। अब तुरंत जाकर ये वैद्य को दे आओ, जूना काकी का बेटा अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। कृष्णा, तुम हमेशा सबकी परेशानियां सुलझा।